हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 12th हिंदी के एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपको बताएंगे तीन सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि जरूर आएगा, और केवल आप सिर्फ तीन। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे तीन सबसे महत्वपूर्ण निबंध, जो कि आप सिर्फ तीन इम्पॉर्टेंट निबंध को तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर बिल्कुल क्लियर है। केवल इन निबंधों को आप सभी लोग पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आपको 9 नंबर बिल्कुल पक्का है, 100% गारंटी के साथ। और यहाँ पे हम आपको तीन सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध बताएंगे और उसके सॉल्यूशन यानी उसके आंसर के साथ आपको बताएंगे। तो आप सभी लोग सिर्फ इन तीन इम्पॉर्टेंट निबंध को तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर बिल्कुल पक्का है। और इन तीन निबंधों से बाहर कुछ भी, कोई भी टॉपिक पर निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है वो रहा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का गारंटी, क्योंकि बहुत बार आ चुका है और कई बार आता है लगातार, और इस बार भी आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण पे जो निबंध है उसको तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड कई टॉपिक आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इन सभी टॉपिक को भी आपको तैयार कर लेना है, यानी कि कोई भी टॉपिक इसमें से आए, आपको सिर्फ जो हम बताएंगे इस वीडियो में उसी को लिखना है, यानी पर्यावरण प्रदूषण पे से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपको तैयार कर लेना है वो है कोरोना वायरस। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये निबंध, इस पर भी आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपको इस वीडियो में इसके आंसर मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट है विज्ञान वरदान या अभिशाप है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो विज्ञान वरदान या अभिशाप है, तो इन तीनों जो निबंध है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को इन तीनों निबंधों को तैयार कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला निबंध देखते हैं कि इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण या समस्या और समाधान, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, हम सबकी है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। यहाँ पे आपको प्रस्तावना डालना है, प्रस्तावना में आपको इस तरीके से लिख देना है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। फिर उसके बाद प्रदूषण का जो सही अर्थ है उसको लिख देना है, जैसे इस तरीके से, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के जो भी प्रकार हैं आज के वातावरण में, प्रदूषण जो है निम्न प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सभी प्रदूषण के हेडिंग डालकर इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, आपको वायु प्रदूषण डालकर अपने शब्दों में जो भी आप लोग जानते हैं आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको जल प्रदूषण इस तरीके से हेडिंग डालना है और उसमें लिख देना है। ठीक है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जल ही जीवन है, इस तरीके से आपको डालकर अपने शब्दों में लिख देना है। फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, मोटर कार, ट्रेन आदि जो भी कारखानों से निकलने वाली ध्वनि है उसी से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है, और अत्यधिक से इसके क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है और मनुष्य में बहरापन हो जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण, इसमें भी आपको आज की आधुनिक खेती से जो रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि की दवाइयों जो है वो कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे कि रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न हो जा रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण, तो जो भी प्रदूषण के कारण है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज दूसरा, आज क्या है कि सुरसा की भांति विकराल रूप धारण किया हुआ है, जो कि दूसरा कारण है। ठीक है, दूसरा विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आसुरसा के भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अत्यधिक अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जल में कचरे ठीक है वो मृत शवों को न बहाए जाए, यही सब है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है उपसंहार। तो इसमें क्या है कि इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन को भी पूर्ण रूप से क्या है इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो यही हो गए हमारे 3 सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध, ठीक है। तो आप सभी लोग और आपको कोरोना वायरस और विज्ञान वरदान या अभिशाप, इन तीनों के आंसर आपको हमारे इस अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता दिया, तो आपको इनके आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और आप सभी लोग इन 3 सबसे महत्वपूर्ण निबंध को सिर्फ तैयार कर लीजिए, आपका 9 नंबर बिल्कुल क्लियर है। और इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट अगर आप सभी को क्वेश्चन आंसर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई गई, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।